मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जीण दा सतर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकदे हां, ये साडीआं प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि 550 वर्ष बाद भगवान राम अपने दिव्य मंदिर में फिर से प्रवेश करने जा रहे हैं। जो कोई भी आज़ादी के पहले भी कई बार युद्ध हुए, कई बार संघर्ष हुआ है और आज़ादी के बाद भी 1984 से लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए इस देश के लोग लड़ाई कर रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को भारत के लोगों ने अपनी स्वत्व की लड़ाई लड़ते हुए जो भगवान राम के जन्म स्थान पर एक कलंक था, उस कलंक को मिटा दिया, उस ढांचे को तोड़ दिया जो बाबर ने बनाया था। फिर लड़ाई कानूनी दांव-पेच में उलझी रही। उस समय की जो सरकारें होती थी, उन सरकारों ने खूब दांव-पेच खेलने की कोशिश की कि किसी भी प्रकार से भगवान राम का मंदिर उस स्थान पर नहीं बने। लेकिन 2014 के बाद देश में ऐसा परिवर्तन आया कि देश की जनता ने शायद स्वयं निर्णय कर दिया था कि भगवान राम का मंदिर उस स्थान पर बनना चाहिए और इसलिए शक्तिशाली सरकार, ताकतवर सरकार जिसके नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में न्यायालय के फैसले का आया। फैसला आना और उसका क्रियान्वयन करना दोनों काम बखूबी हुए हैं, बगैर हिंसा के हुए हैं, सद्भावना के साथ हुए हैं। और अब कल भगवान राम उस मंदिर में विराजित होने वाले हैं और इसलिए भारत के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए तो गर्व का विषय है ही। दुनिया में जितने हिंदू रहते हैं उनके लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि भारत राम के बगैर अधूरा है और इसलिए राम केवल पूजा के मंदिर में नहीं, तो राम राष्ट्र पुरुष है और राष्ट्र पुरुष के प्रति सम्मान का भाव, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको सबको भारतवासी है तो हर भारतवासी को करना चाहिए। इसी भाव के साथ हमने कहा सबके राम सब में राम, इस भाव को साकार करते हुए हम सब देख रहे हैं। और यहाँ के कलाकारों ने गुलाना के जिस प्रकार की आकृति का निर्माण किया है, अद्भुत है। मैं कलाकारों को, इन बेटियों को बधाई देता हूं और मैं तो सोचता हूं कि भगवान राम निश्चित रूप से भारत में जो राम राज्य की हमारी कल्पना है उसके अनुसार समाज का निर्माण होगा और भावी भारत जब बनकर तैयार होगा तो विश्वगुरु भारत, राम के आदर्शों पर चलने वाला आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनकर 2047 में हमारे आँखों के सामने हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, सिरमौर देश बनकर देखेंगे। और उसमें हर व्यक्ति की भूमिका होने वाली है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी मत संप्रदाय का हो। राम राष्ट्र पुरुष है, यह आज देश की जनता ने सिद्ध करके दिखा दिया है और कल का नज़ारा जो दिखेगा देश में, वो दुनिया देखेगी कि राम की ताकत क्या है। अयोध्या में महाआरती का आयोजन हो रहा है, उसी समय हमने और जैसे कि वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बना है तो उसी तरह हमने यहाँ पे राम जी की विशाल चित्रकारी की है, जो कि 45,000 स्क्वायर फीट में पूरी पत्थर से बनी हुई है। इसमें हमें 10 से 15 दिन का समय लगा है और इसमें 10-12 कलाकारों का सहयोग रहा है। ये जो पूरा निर्माण किया है आपने, इसमें आपको सहयोग मिला है? हाँ मिला है, बाहरी सहयोग मिला है, सुजानपुर से मिला है, सीएम रायजी विद्यालय से मिला है और लोकल से भी मिला है। अच्छा, इसके पहले भी आपने इस तरह का कोई निर्माण किया, कलाकृति बनी हुई? हाँ सर, इससे पहले मैंने एक्टर अक्षय कुमार की बनाई थी, खील से बनाई थी, 7000 खील से, और अपने गांधी जी की फसल काटकर बनाई थी, पत्थर से भी बनाई थी और तरह तरह से मैंने बनाई थी।